मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल का चैप्टर बिल्कुल वैसा ही है जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल था। अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल पे चलें तो हमने इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या किया था, दो चार्जेस हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ क्या, 2a। ठीक है, तो यही था कि सपोज करो एक q है और एक माइनस q है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a, राइट। तो ये क्या चीज़ है आपका, इलेक्ट्रिक डायपोल। सिमिलरली अगर मैं एक बार मैग्नेट लूँ, ये एक बार मैग्नेट है, सच दैट दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, नॉर्थ एंड साउथ। तो क्योंकि चार्जेस का तो मैग्नीट्यूड क्यू एंड माइनस क्यू है, मैग्नेट की पोल्स होते हैं नॉर्थ एंड साउथ, और पोल की पोल स्ट्रेंथ होती है, एक टर्म पोल स्ट्रेंथ ये बताती है कि पोल कितना स्ट्रांग है। तो मान लो इसकी पोल स्ट्रेंथ है छोटा m और इसकी पोल स्ट्रेंथ भी सेम है स्मॉल m, क्योंकि पोल स्ट्रेंथ नॉर्थ और साउथ की सेम होती है। जितनी स्ट्रांग पोल स्ट्रेंथ होगी पोल उतना स्ट्रांग होता है, मैग्नेट उतनी स्ट्रांग होती है। तो जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड में q करता है वो काम मैग्नेटिक डायपोल में छोटा m करता है। तो पहला स्टेप क्लियर है, q की जगह छोटा m, पहला स्टेप। दूसरा, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये मैग्नेटिक डायपोल है। मैग्नेटिक डायपोल क्या है, व्हेन टू पोल्स ऑफ सेम पोल स्ट्रेंथ m एंड m आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, वो स्मॉल डिस्टेंस क्या है, 2l। जैसे उसमें 2a, इसमें भी 2a लिख लो, 2l लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल, ये क्या है, मैग्नेटिक डायपोल। अपने मन में याद रखना है, जो काम इसमें q करता है वो काम इसमें छोटा m करता है, जो काम इसमें प्लस करता है वो काम इसमें नॉर्थ करता है, जो काम इसमें माइनस करता है वो काम इसमें साउथ करता है। क्लियर है यहां तक? अब मुझे ये बताओ कि जो मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होती थी, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसको किससे रिप्रेजेंट करते थे, बाय पी वेक्टर, कोई डाउट इसमें? सिमिलरली जो मैग्नेटिक डायपोल है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय साउथ टू नॉर्थ, तो जिसकी वैल्यू क्या होती है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं बाय एम वेक्टर, या एम वेक्टर, या कई बुक्स इसको रिप्रेजेंट करती हैं बाय म्यू वेक्टर, कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहां तक? तो यहां पर एक एक डायपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू, सेपरेटेड बाय 2a, इलेक्ट्रिक डायपोल, नॉर्थ एंड साउथ सेपरेटेड बाय 2l इज मैग्नेटिक डायपोल, क्यू क्यू की जगह स्मॉल m स्मॉल m, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ, सिंबल इसका p, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल m या म्यू। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला p इज इक्वल टू क्या, q इंटू 2a, इसमें कैपिटल m का फॉर्मूला स्मॉल m, q की जगह स्मॉल m और डिस्टेंस की जगह 2l, तो जो काम उसमें q करेगा वो काम इसमें छोटा m करेगा, कोई डाउट? पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी, बिल्कुल सेम तरीके से मैग्नेटिक डायपोल काम कर रहा है जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल करता है। इसका मतलब अगर जहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड है, जहां पर पोल्स हैं नॉर्थ एंड साउथ और इक्वल एंड ऑपोजिट पोल्स हैं नॉर्थ एंड साउथ एम एंड एम, सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डायपोल। और जो भी मैग्नेटिक डायपोल है उसका क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। सही है यहां तक? ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, हम अब किसको स्टडी करने जा रहे हैं, बार मैग्नेट को। बार मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। बार मैग्नेट की पहली प्रॉपर्टी है, जब भी आप किसी भी बार मैग्नेट को आप धागे से लटका दोगे तो वो मूव करके मैग्नेट का नॉर्थ कहां पॉइंट करेगा, अर्थ के नॉर्थ को। गलत नहीं हो गया, मैग्नेट का नॉर्थ, हाँ, अर्थ के नॉर्थ को ही होता है, ऐसा कैसे, जबकि नॉर्थ और साउथ होता है, अट्रैक्ट होगा, लेकिन यहां पर नॉर्थ नॉर्थ है। रीजन, जो हमारी अर्थ है ना, ये अर्थ है, अर्थ को अगर हम बार मैग्नेट की तरह ट्रीट करें, पहली तो मैग्नेट टेढ़ी होती है, अर्थ की सीधी नहीं होती, इमेजिनरी है, तो एक मैग्नेट है, तो इसका जो मैग्नेटिक साउथ है वो ऊपर होता है और मैग्नेटिक नॉर्थ नीचे होता है, ठीक है।
लेकिन हम ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हैं, दिस इज ज्योग्राफिक नॉर्थ और दिस इज ज्योग्राफिक साउथ। तो प्रॉब्लम ये है, मैग्नेट को लटकाते हैं, उसका नॉर्थ ज्योग्राफिक नॉर्थ को पॉइंट करता है लेकिन एक्चुअल में मैग्नेटिक साउथ को ही करता है। तो समझ में आ रहा है, मैग्नेट उल्टी है, वो तो ठीक जा रहा है नॉर्थ साउथ की तरफ, पर यहां पर क्या है, ज्योग्राफिक नॉर्थ। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज हैं मैग्नेटिक डायपोल की, बार मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी है, व्हेन मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को पॉइंट आउट करती है, कौन सा जो भी लेना है, ज्योग्राफिक या मैग्नेटिक। पोल्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ आर सिचुएटेड लिटिल इनवर्ड्स, तो अगर ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो इसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ 2L है, ज्योमेट्री की लेंथ 2L है, लेकिन जो पोल्स होते हैं एक्चुअल में वो थोड़ा सा अंदर की तरफ होते हैं, सेपरेटेड बाय 6/7 टाइम्स L। तो अगर ये L है तो ये कितना है, 6/7 टाइम्स L। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। ये प्रॉपर्टी ज़्यादा काम नहीं आती, बस वैसे ही बता रहा हूँ, जो पोल्स हैं थोड़े अंदर की तरफ होते हैं। नेक्स्ट है, अगर मान लो आपके पास दो पोल्स हैं, अलग अलग मैग्नेट के हो सकते हैं, एक मैग्नेट के तो एक ही M और M होता है, M1 M2 कभी नहीं होता फॉर अ पर्टिकुलर बार मैग्नेट, तो एक M1 पोल है एक M2 पोल है, होगा अलग अलग मैग्नेट का, और दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ R, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्शन भी हो सकती है, डिपेंडिंग नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ क्या है। तो जो भी इनके बीच में फोर्स होगी वो M1 into M2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगी। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 into M2 बाय आर स्क्वायर, तो फोर्स सम कांस्टेंट म्यू नॉट बाय 4π M1 into M2 बाय आर स्क्वायर। तो क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक, क्या स्टेप क्लियर है, देखा ही लगता फॉर्मूला कूलम्स लॉ। तो ये है कूलम लॉ इन मैग्नेटिज्म, वो क्या था, कूलम लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो स्टेप नंबर 1 क्लियर है, तो कूलम लॉ इन मैग्नेटिज्म बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे चार्जेस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम लॉ करता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक पोल, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक पोल्स होगा, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, नॉर्थ अकेला कभी एग्जिस्ट नहीं करता, नॉर्थ के साथ हमेशा साउथ होगा ही होगा, पोल्स है मैग्नेटिक पोल्स। ठीक, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को ड्रॉ करते हैं, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं पर लाइंस पास है कहीं पर लाइंस दूर है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, बिल्कुल वैसे जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, इमेजिनरी लाइंस हैं, वो एक पाथ है, कर्व टेढ़ा मेढ़ा सीधा कैसा भी हो सकता है, सच दैट अगर आप कोई पॉइंट लें इसके ऊपर एंड टेंजेंट ड्रॉ करें इसके ऊपर, दैट टेंजेंट विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ऐसे किया था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, इसमें एक प्रॉपर्टी का फर्क है इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें, ये लाइन नॉर्थ से स्टार्ट होती है और साउथ पे खत्म होती है, वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती थी और नेगेटिव पे खत्म होती थी, ये नॉर्थ से स्टार्ट साउथ पे खत्म। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इलेक्ट्रोस्टैट्स में क्लोज्ड कर्व कभी नहीं बनाती थी, पॉजिटिव से स्टार्ट नेगेटिव पे खत्म, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्लोज लूप बना सकती है, हमने करंट कैरिंग वायर के आसपास देखा कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं। ये भी क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है, दो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, नहीं तो दो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएंगी, इसलिए कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी।